अपना घर फार्म जैसा है, वहीं पे बस उतरते रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पे भी फार्म पे मैं कहते हैं हाई वाला हिल्स पे उतरता हूँ। हाँ, फार्म पे जानते जानते हैं कि तीन तरह के हिल्स होते हैं, मिड हो जाता है, हाई होता है, एक लोअर होता है ग्राउंड वाला। तो मैं हिल्स पे उतरता हूँ, हिल्स पे आराम से अपना लूट पाट करता हूँ। सबसे बकवास गन कोऑर्डिनेट मिलता है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है इस गन का। मैं तो लगता हूँ कि सबसे रद्दी गन में यही चीज़ें, फायर ऑफ रेट इतना ही कम है, प्लस स्टेबिलिटी उतना ही बकवास है। बाकी गन मिल गया था तो मैं कुछ तो करना था। तो यहाँ से मैं इसे लूट पाट करता हूँ, यहाँ से चल जाता हूँ, तब तक पीछे में आप फाइट होती थी। और यहाँ वाली फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, इसे देख के मज़ा आएगा। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब मार देना। यहाँ पर देखिए सामने एक बंदा है, इसे मारने के लिए एक और आएगा। अब वो बंदे को अब फाइट हो जाएगा, वो जो है टॉय बॉम्ब से अटैक हो जाएगा। ये तीसरा एक और अटैक करने आएगा, उसको मैं मारूंगा। यहाँ मेरी गोलियाँ खत्म हो गई तो एक्स से उसको मार दूंगा, या जो कुल्हाड़ी है कुल्हाड़ी से उसे काट दूंगा। बेचारा मुझे किल चोरी करने आता है। ये सब भी ख़त्म नहीं होता था, एक चौथा बंदा आ जाता है जो किल चोरी करने की कोशिश करेगा। देखिए हल्का से यहाँ पर मुझे देखिए गुड़ पड़ती है, यहाँ पर देखिए पड़ी एक बंदूक, वो चीज़ वहाँ पे पीछे में आ जाता है, वो चीज़ मेरे एक और जो तो पीछे घूमने के। देखिए इसका किल चोरी करने की कोशिश करती है, जैसे कन्फर्म करता हूँ तब तो कहा देखिए पीछे में वो छुपा रहेगा। ये देखिए मेरे जो डॉगटैक वाला डॉग है वो जाता है, उसे K9 यूनिट पकड़ लेता है उसे, यहाँ पर जब मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। अभी बॉट था प्लेयर था मुझे समझ नहीं आया। फिर वहाँ से क्या मैं न्यूक्लियर हाउस चल जाता हूँ, न्यूक्लियर हाउस चल जाता हूँ, सलमान खान भाई की तरह एंट्री देता हूँ। बेचारे ये तो पूरा का पूरा था, ये सपना दिख रहा था, आज तो मैं ये पूरा का पूरा 15 किल्स मारूंगा, ये चीज़ आया पूरा का पूरा हीरो बन जाऊँगा। मैं आता हूँ सपनों को उसके काले गोली मार के चल देता हूँ। यहाँ से मैं जाते रहता हूँ, उसके बाद बस स्टैंड से होते हुए मैं जोन में जाते रहता हूँ। अभी तक पीछे से मेरे हमला होता है, अब हमला करूँगा तो मैं तो वापस से आऊँगा ही फुल भाई, एकदम गाड़ी स्वैग में एकदम उतारता हूँ अपने गाड़ी, रुके ना रुके मैं ज़रूर उतर जाता हूँ। यहाँ पूरा उतरता हूँ, यहाँ से अपने डॉगटैग का यूज़ करता हूँ। भाई डॉगटैग बहुत अच्छी चीज़ है भाई, अगर तुमको बंदे का लोकेशन नहीं पता है, लेकिन हाँ तुम्हें पता है कि बंदे हैं, फेंक दो डॉगटैग अपने आप ढूंढ लेगा, फिर उनके ओर इशारा कर दो। अब मैं यहाँ पे पूरा था खिड़की, अगर वो गेट से बाहर आएगा तो मैं गेट की ओर पूरा का पूरा देखो मैं करके उधर ही चल रहा हूँ। हमेशा एक इशारा रखना होगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो बंदा बाहर आ सकता है तो वहीं पर एकदम निशाना ले कर चलो। जस्ट फॉर यहाँ मैं पूरा था खिड़की में आएगा आएगा कभी तो लगेगा, लेकिन ये बंदा था बहुत मजबूत भाई, मेरे को 2-3 हेड लगाया, मेरा का पूरा पूरा आर्मर को डैमेज कर दिया, जिससे कि यहाँ फाइट होता पूरा आर्मर डैमेज ख़त्म, प्लस मेरा HP भी 76 ले गया था। अगर सही से एक और मेरे पास बॉडी पड़ता मैं यहाँ ख़त्म था, लेकिन मेरे भी अच्छे खासे बॉडी पड़े, इसलिए बेचारा वो नॉक हो गया, फिनिश भी हो गया। और यहाँ का मैं लूटपाट करता हूँ, फिर यहाँ से आउटपोस्ट चल जाता हूँ, वही न्यूक्लियर प्लांट के पीछे वाला इलाका, मैं वहाँ पे चल जाता हूँ। वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे भी दो लोग एक दूसरे के साथ वो करके बैठे हुए हैं, पार्टनरशिप करके बैठे हुए, भैया हमारे मैं नहीं मारूंगा तो मुझे मारियो। यहाँ पर जाता मैं एक को पकड़ता है, यहाँ पर जैसे ही होता है इसको जैसे ही मैं फिनिश कर सॉरी नॉक करता हूँ। पार्टनर नहीं थे ये दोनों, एक दूसरे के वो थे डुओ में थे शायद, ये लोग डुओ से स्क्वाड के लिए थे, क्योंकि ये सोलो वर्सेस स्क्वाड का मैच था। वैसे जैसे ही नॉक करता हूँ, नॉक कर दिया डॉक्टर जो है वो फिनिश करे तो गाने चाहेंगे नहीं, तब पता चलता है उसका जो पार्टनर है उसे बचाने आ गया। अब पार्टनर बचाने आया तो भाई मैं तो उसकी मदद करूँगा ही, हाँ भाई बचा ले। तो बचाने के लिए क्या था वो चीज़, वहाँ डॉक्टर उसे रोक लेते हैं, हाँ मैं यहाँ पर उसे मार देता हूँ। अब यहाँ पर ये चीज़ हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट होता है या फिनिश हो जाता है, दोनों डुओ ख़त्म हो गए। यहाँ पर बेचारा दोनों सोचे थे कि यहाँ डुओ वैसे स्क्वाड खेल के पूरा मैच जीतेंगे, और यहाँ पर वो खतरनाक रूप से मार जाता हूँ। मैं यहाँ से चल लेता हूँ, अब मैं यहाँ से चलता हूँ तो पूरा का पूरा निकल लेता हूँ न्यूक्लियर प्लांट के बगल वाला इलाका, जो साइड वाला इलाका पानी के किनारे, जस्ट नदी पार करोगे तो फिर ब्लैक मार्केट आ जाता है, वहाँ वाले इलाका में जैसे पुलिया के बगल में जो है यहाँ पर रहता है, यहाँ पर बंदों की भीड़ आती है। क्योंकि अचानक अचानक से बंदों की इतनी भीड़ आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है, कभी बंदे मिलेंगे नहीं और कभी बंदे मिलेंगे तो इतने ज़्यादा मिलेंगे नहीं। जैसा कि यहाँ पर इतने ज़्यादा किल्स होते कि मत बोली, यहाँ जैसे कि यहाँ पर इसको कंफर्म किया तक, यहाँ पर देखता रहता हूँ कि और कोई नदी पार वार तो नहीं कराता, तो पीछे से एक और आता है जैसे मैं, और यहाँ पर मेरा स्टक होता है। एंड्रॉयड का ही प्रॉब्लम है भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने में स्टक कर लेता है पूरा कपड़ा एकदम स्कोपिंग को। यहाँ पर मैं गोली मारना चाह रहा हूँ लेकिन मेरा स्कोपिंग एडजस्ट कर ही नहीं रहा है, मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ इसी का हिलते रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरा स्कोप हमेशा स्टक हो जाता है एक जगह पे, फिर मैंने आपको करने की कोशिश नहीं करता है। अगर आप अगर एंड्रॉयड में जानते हैं तो ये चीज़ बहुत गंदा बीमारी है। और क्या तब तक जो पीछे भी बीमारी लगने लगता है, पीछे से भी फाइट अरे इस चीज़ को क्या चूल थी भाई, तो खड़ा हुआ फिर इतनी तेज़ी से भागा जैसे इसको लगा किसी में बम वम फिट उट कर दिया क्या।
ले भागे जा रहा, भागे जा रहा, भागे जा रहा। हम कर रुक जा भाई, रुक जा, कहाँ जा रहा है, रुक जा। लेकिन मैं मार खा के मार खा, फिर एक और आया तब तक यहाँ पे भी ये भी मार खा के सबके सब सो लोग। ये दोनों मुझे लगा कि जैसे डुओ है क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा था। यहाँ जाता फिर एक और बंदा, यहाँ पे इसे भी मारता हूँ बीच। ये नहीं पता जादू मत हुआ क्या हुआ, कब कहाँ से मंजुलिका आ गई, कहाँ ये गायब हुआ पता नहीं चला, क्योंकि उसके ऊपर डॉक्टर छोड़ता हूँ, ये इधर से चल जाता है। ये दोनों साथ पार्टनर थे। एक और देखिए यहाँ से, जस्ट यहाँ से आएगा, दोनों को दोनों दूसरे के पीछे में आए थे। ये नॉक हो जाता है, लेकिन वो बंदा कहाँ गया मुझे पता नहीं चला, कैसे हुआ क्या हुआ, सब चीज़ वैसे ही होते रहता है पूरा का पूरा। मैं इसे फिनिश करता हूँ, तब तक लास्ट जो पार्टनर है यहाँ पर रहता है कि नदी से पार होते, ब्लैक मार्केट से पार होते हुए इधर आते रहता है। ब्लैक मार्केट से आते हुए मैं क्या आया उसे मार देता हूँ। अब ब्लैक मार्केट से आते रहता है तो अच्छा खासा है कि वो पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा डैमेज में थोड़ा थोड़ा देते ही रहता हूँ। और यहाँ पर एम4 नहीं पता इतना हील क्यों रहा था, मैं ऊपर से मोबाइल जो बहुत ज़्यादा स्टक होकर चल रहा था। या चौथे को फिनिश करता, लास्ट वाला जो बंदा था वहाँ जाके ब्लैक मार्केट के साइड में, उस साइड नदी के पार में, वहाँ जाके उसी एरिया में, क्योंकि उस एरिया में ज़्यादा तो ज़मीन थी, पानी मानी रहता। लेकिन वो भी अंत टाइम में लास्ट में बेवकूफ़ी कर दिया, वो पानी में आ गया। पानी पानी के फाइट में बेवकूफ़ी है कि आप अगर ज़मीन आपको मिला हुआ है हाइट तो आप ज़मीन पर ही रहिए, पानी में मत आइए। ये पानी में आता है, मैं ऊपर से नीचे से पानी में पानी फाइट करके मैं ऊपर से मार के चल